चलिए हम देखते हैं बोर कक्ष के इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की गणना करना। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखिए, हमने एक परमाणु का मॉडल यहाँ पे दिखाया है। इसमें हमने m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, ये m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन त्रिज्या यहाँ पे क्या है, r है। तो m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के कक्ष में v वेग से चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई तथा नाभिक का आवेश प्लस जेड ई है, जहाँ जेड जो है वो परमाणु क्रमांक है और ई जो है वो प्रोटॉन का आवेश है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ऐसा चक्कर लगा रहा है तो इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। पहला है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल बराबर होता है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, इसको हमने समीकरण एक माना है। दूसरा है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत आकर्षण बल। यहाँ पे जब ये चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य में एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है, जैसे हम कहते हैं वैद्युत आकर्षण बल। और इसकी वैल्यू होती है कूलाम के नियम के अनुसार जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसे हमने माना समीकरण दो। अब इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन स्थिर वेग से वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो अपकेंद्री बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल द्वारा संतुलित रहता है, अर्थात दोनों बल एक दूसरे के विपरीत और बराबर होते हैं। ये चक्कर लगा रहा है तो इसमें जो बैलेंसिंग होती है ना, इनके बीच जो बल लग रहा है उसको क्या कर रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं। इसलिए हम दोनों बलों को, अपकेंद्री बल और इनके बीच जो वैद्युत आकर्षण बल है, उसको हम इस प्रकार से बराबर लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के बराबर हैं। और यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी वी टू की। तो यहाँ से हमने पहले तो देखेंगे कैंसिल क्या हो रहा है, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे आर जो है यहाँ के आर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अगर हम यहाँ से वी की वैल्यू निकालें तो वी टू स्क्वेयर हो जाएगा जेड जेड ई स्क्वेयर अपॉन एम जो है वो इधर आ जाएगा, तो एम आर, इसको हमने मान लिया समीकरण तीन। अब यहाँ पे बोर की परिकल्पना के अनुसार बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन 2π का पूर्ण गुणज होता है, h अपॉन 2π का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है ऑर्बिटल की संख्या, जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसका हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ से हमें वी स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो गई, वी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 4। अब आगे हम करेंगे समीकरण जो 3 हमें प्राप्त हुआ था, वी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से हमें प्राप्त हो जाता है जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। या फिर यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से m इधर से कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी एक m कैंसिल हुआ, यहाँ से r कैंसिल हुआ, यहाँ से भी एक r कैंसिल हुआ, इस प्रकार से चीज़ें कैंसिल हो रही हैं और कोई चीज़ें यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रही है। अब हम इसे रीअरेंज कर लेंगे और हम r निकालेंगे तो r इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m जेड e स्क्वायर, इसे हमने मान लिया समीकरण 5। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे जो n स्क्वायर है और उसके अलावा सभी की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पे जेड जो है वो परमाणु क्रमांक है और ये अलग अलग परमाणुओं के लिए अलग अलग होती है। तो जैसे कि हम बाकी सबके मान जो हैं वो लिख लेते हैं, H का मान होता है 6.626 इंटू 10^27 स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। उसी प्रकार हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.14, यहाँ पे जो m है उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 9.0108 इंटू 10^-28, और उसी प्रकार हमने यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू पुट कर दी 4.0
803 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 उसका स्क्वायर लिया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से जो वैल्यू प्राप्त होती है वो ये आती है, ये वैल्यू आती है। तो हम आर इक्वल टू में क्या प्राप्त हुआ, आर इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 एगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमको इस फॉर्मूले को हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये जब हमें याद रहेगा तो इसके अनुसार हम त्रिज्या जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो है वो हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस और बेरिलियम 3 प्लस के लिए इनका परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्रमशः होता है 1, 2, 3 और 4।